होली पतवाणी होली रे छोल मांगे रुको पानी बोलो रे जलसुआ घसुआ को डालो माँ मन भी पुख देनो बोलो रे वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ तो हमारे 10th क्लास के बच्चे हैं अजय और रोहित, आपको कैसे लग रही है ये सर्दी के मौसम की पहली बारिश है? सर्दी बहुत अच्छा लग रहा है कि कल तक मौसम बहुत घनघोर था, कल बादल लगे थे, न बारिश हो रही थी न धूल आ रही थी, ज्यादा अच्छा लग रहा था। आज मौसम कुछ ज्यादा ही रोमांचक हो चुका है, बादल इधर उधर दिख रहे हैं, बारिश हो रही है। वेरी गुड। और ये हमारे शिवम हैं, ये 10th क्लास के बच्चे होंगे, आपको कैसे ये हमारे सर्दी के मौसम की पहली बारिश है और स्नोफॉल हो चुका है गैरसैन में, तो आपको कैसे लग रहा है? और आपने मेन बात छाता भी नहीं खोला है, पहले छाता खोलिए। और आपने टोपी भी नहीं पहनी है, आपको ठंडा नहीं लग रहा है? अच्छा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉयज है। तो आपको गाना गाओ दो बारिश से रिलेटेड, तो कोई पोएम सुना दो। हेलो हेलो, हाँ जी गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा गुड मॉर्निंग बेटा। कौन? आर्यन का दादी, वो ना आर्यन की दादी जी बात कर रही है। हाँ दादी जी बताइए। तो बहुत बर्फ आ गया। हाँ जी, अब क्या काम है आप बातों को लेने को? तो कोई बात नहीं, आप कल आ जाइए, कल तक अगर खुलती रहो ना, कल परसों जब रोड खुलती है वहाँ भी होगा बर्फ, वहाँ है पड़क है, यहाँ ही पड़क है, यहाँ भी पूरा दिवाली का ब्लॉक है। तभी तक दो चार दिन में खुलेगा तभी आएंगे, यहाँ से अंदर से बाहर भी नहीं आ पा रहे हम। हाँ जब भी आओगे ना तो टाइम से आ जाना, फिर ना जब भी रोड खुलेगा तो आ जाना। शीतकालीन 35 दिन का अवकाश होना था और आज हमारे बच्चों ने अपने घर जाना था, उनके पेरेंट्स ने अपने बालों को लेने यहाँ आना था, लेकिन बर्फ गिरने के कारण ये दिवाली खाल नैनीताल मार्ग है ये अवरुद्ध हो गया था और हमारे जो उधर साइड के बच्चे थे वे यहाँ से जा नहीं पाए, अपने उनके पेरेंट्स उनको लेने यहाँ पे आ नहीं पाए, मार्ग अवरुद्ध हो गया था। और जो नजदीक के बच्चे थे हमारे वहाँ अपने पेरेंट्स के साथ चले गए, तो हमने कहा कि कुछ बच्चे घर चले गए हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे हैं, तो हमारे जो बच्चे यहाँ पे हैं उनको ये ना लगे कि हमारे साथी घर चले गए हैं, तो हमने यहाँ पे कैंप लगाया था, एक प्रोग्राम रखा सारे स्टाफ के द्वारा कि हम अपने बच्चों को ये फील ना होने दें कि हमारे साथी घर चले गए हैं और हम अकेला महसूस करें। मैं भी, मेरी फैमिली भी यहाँ पे साथ रहती है, लेकिन मैं फैमिली को छोड़ के यहाँ जहाँ पे आया हूँ, मेरे बच्चे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
नहीं था और कुछ बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ पर पड़ जाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कल भी रोड ब्लॉक हमें बहुत अच्छा लगा और हमने पहली बार कैंप फायर मनाया और शायद कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारा ये लास्ट कैंप फायर है। हमने 6 में यहाँ पे कैंप फायर बनाया था तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगी कि ये स्कूल हमेशा ऐसी रहे, ऐसी खुशियाँ हम लोग यहाँ बनी। यहाँ का मतलब जो मतलब माहौल था वो बिल्कुल फैमिली की तरह क्रिएट हो गया था और ये तो बहुत अच्छा हुआ कि रोड ब्लॉक हो गए, हम अपने घर ही जा। अच्छा, अगर कल भी रोड ब्लॉक होगी तो आपको कैसा लगा? यहाँ पे हमको बहुत ही अच्छा लगेगा, अगर 35 पे हमको यहाँ काटने को मिले तो घर से भी अच्छा। गुड इवनिंग, मेरा नाम बबली, मैं क्लास 6 से पढ़ती हूँ। मैं ऐसा पहली बार देखा, इससे पहले देखा था पर टीवी में देखा था ऐसा, मुझे इसे देख के बहुत खुशी हुई। जिन लोगों ने जो लोग आज घर गए होंगे उन्हें अफसोस हो रहा होगा कि हमने ये नहीं देखा। मैं बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज हमारा पहला कैंप फायर था, इस स्कूल का हमने टीवी में बहुत बार देखा था। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी थी हमारे साथ। मेरा नाम कुलदीप, मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर कैंप फायर मना के और मुझे लगता है कि ये लाइफ मुझे इसके बाद इंटरेस्टिंग लाइफ मुझे कभी नहीं मिलेगी, कि अपनी लाइफ बहुत अच्छी होती है। नाम कृष्णा गौरव, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर कैंप फायर मनाया गया, शायद ये हमारी जिंदगी का पहला कैंप फायर था और जो घर जा चुके हैं वो अगर इसे देखेंगे तो उन्हें भी अफसोस होगा कि काश हम भी इन्हीं के साथ रहते, हम भी दूर के रहते। सर, मैं राकेश सिंह नेगी, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय गैरसैन में एक विज्ञान शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। आज शीतकालीन अवकाश घोषित होने की अंतिम दिवस था जिस पर हमने समस्त स्टाफ ने और हमारी छात्र छात्राओं ने एक कैंप फायर का आयोजन किया जिसमें हमने अब तक बहुत खूब डांस किया, बहुत खूब मस्ती की। और क्योंकि यहाँ पे ये भी एक हमारे लिए यादगार लम्हा इसलिए है क्योंकि आने वाले समय में हमारे पास जो 12th स्टैंडर्ड के छात्र छात्राएं हैं उन्होंने इसके बाद यहाँ से पास आउट हो जाना है और इसलिए हमने भी ये आयोजन किया कि ये एक यादगार लम्हा हमारे लिए रही। और आशा है कि आने वाले समय पर हम शीतकालीन अवकाश के समय पर ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय पर ऐसे कैंप फायर का आयोजन करते हैं ताकि हमारे आज तक मतलब जब भी छुट्टियाँ पड़ती तो हमारे पेरेंट्स हर रोज पहुँच जाते लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे पेरेंट्स आज नहीं पहुँचे।
कल से तो बहुत खुशी थी कि हम कल घर जा रहे हैं, लेकिन सुबह थोड़ा अच्छा भी नहीं लगा जब हमारे पेरेंट्स को फोन आया कि हम आज यहाँ पर हैं। तो अभी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, टीचरों ने हमारे इतना खुश किया, इतने ठंड में बर्फ में होने के बावजूद उन्होंने हमारी कैंप फायर की व्यवस्था की और हमें आज बहुत खुशी हो रही है। अगर जो बच्चे यहाँ से जाए अगर हम उन्हें उनके साथ बात शेयर करें तो उनको भी बहुत बुरा जैसे लगेगा कि हम विकास कैंप फायर में अटैम्प्ट कर देते हैं। Tandani na re tan nanaro tare na re.